दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया स्टॉक के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट ईयर में बात करता हूं। यहां पर जैसे ही स्टॉक ओपन हुआ कोई बड़ी तेज़ी स्टॉक ने बनाकर नहीं दिखाई, लगभग सेम रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, 295 रुपीज़ पर अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं 3 आवर चार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए ये लगाया हमने 3 आवर चार्ट, यहाँ पर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट किया था और धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यही तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में जो टारगेट स्टॉक अचीव करेगा वो हैं 300-310 रुपीज़ तक के टारगेट भी ग्रैन्यूल्स इंडिया अचीव कर सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ग्रैन्यूल्स शामिल है कंटिन्यू होल्ड करें, यहाँ पर फ्रेश बाइंग का मौका भी स्टॉक बना रहा है। इन लेवल्स पर बिल्कुल ऐड करके चल सकते हैं ग्रैन्यूल्स स्टॉक को, लेकिन नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेवल आपको लगाकर चलना है 281 रुपीज़ 81 पैसे का। इस सपोर्ट का पूरा ध्यान रखें क्योंकि अगर इसको फिर से ब्रेक करके स्टॉक नीचे जाता है और निचले लेवल्स दिखा सकता है। तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है ग्रैन्यूल्स इंडिया में। टारगेट्स हमने आपको बता ही दिए हैं, यहाँ से अगर तेज़ी बनती है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में जो टारगेट स्टॉक अचीव करेगा वो होने वाले हैं 300-310 तक के टारगेट्स अचीव होंगे। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। धन्यवाद।